कानपुर से बोल रहे हैं। अनु अवस्थी यार, एक बात बता नहीं रहे। जब हमारे भाई जी कुछ कहते थे, जानी भाई जी, उनका एक मिनट बटन बंद कर ली। ये सूट हमारे मित्र भूपेंद्र सिंह ने दिया है, सोनू जयपुर वालों ने। सोनू भैया समझ गए ना मतलब इशारा? तो जैसे भाई जी कुछ कहते थे कि यार साइकिल पहुंच दो, तो हम कहते थे आए कि दही ले आओ, हैं कपड़ा प्रेस करा दो, हैं तो ही घंटा मारी हमका काय मार दियो। बोले जब भी तुमसे कोई बात कहते हैं, हैं ये क्या होता है? चले गए तो रीता भाभी हमसे पूछिन कि काय हुआ रे? हमने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ा हम अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाभी मतलब भाई जी से बताएं जाके कि वो अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहा है, हर बात में हैं कहता है तो आए आए निकलता है। और नाव कहना थोड़ा फर्क है भाषा मामली। तो भाई जी दो घंटा बहु मारी न भाई, कहें तुम उस रंग बरसे के चक्कर में है जटा शंकर के लौंडे का हल्के में ले। तो खैर लेकिन आदमी सही है, जानी भाई जी जो हमारे मुन्ना भाई जी आदमी सही है। दूसरे दिन भी हमका 40,000 रुपया दिन और स्टेशन ले गए, पुष्पक से हमका बम्बई भेजिन। लेकिन चलत बखत एक चीज कह दिन, कहीं नहीं आते तो कुछ बन के आना और यह 40,000 पूरे वापस देना आके। अरे लो ये कोई बात भाई, लेकिन चिगड़ा तो रहा है। हमने कहा ओके ओके टाटा बैठ गए। जब बम्बई उतरे तो एक से हमने ऑटो वाले से बात करी, हमने कहा कि प्रतीक्षा चलना है। कह कौन प्रतीक्षा? हमने कहा अमिताभ बच्चन जी के यहाँ। कह लगा तुमका प्रतीक्षा चलना है कि अमिताभ बच्चन के पास चलना है? हमने कहा यार बात तो कह दिया कि कर रहे हैं। हमने कहा अमिताभ के पास चलना है, अमिताभ बच्चन हरवंश राय पुत्र हरवंश राय बच्चन। तो कहे इसकी भी वो प्रतीक्षा नहीं है, हम ले चल बे डायरेक्ट। हमने कहा यार इससे अच्छी बात क्या है? तो कहे लगा कि 70 रुपया भाड़ा लूंगा और 1,000 रुपया लूंगा उनसे मिलवाई। तो हम मतलब हमने कहा कि ठीक है दिया, 40,000 तो रहे। तो भाई हमने रास्ते में उससे पूछा, हमने कहा जब जा रहे रान, तो हमने कहा ये 1,000 रुपया काहे ले रहे हो यार मिलवाई? बोला 500 रुपया लेंगे अमिताभ बच्चन और 500 रुपया लेंगे हम। तो हमने कहा तुम्हारी बात तो समझ में आ रही, तुम सकल से टप्पेबाज लग रहे हो, लेकिन अमिताभ बच्चन काहे लेंगे? बोले वो लेते हैं, हमारा उनसे तय है। मतलब जैसे होटल हम लोग सवारी ले जाते हैं तो होटल वाले पैसा देते हैं, वैसे अमिताभ बच्चन से भी तय। मेरे बात समझ में आई कि भाई व्यापारी हैं अमिताभ जी भी, मतलब व्यापारी हैं, समझ में आ गई बात। उसके बाद भाई हम लोग ले गए भाई, कुलिया 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 घुमाता भैया ले गया एक, मतलब हमका बस्ती में ले गया। वहाँ पे उतारे तो एक खटिया में बैठे थे अमिताभ बच्चन टाइप, थोड़ा थके थके अमिताभ बच्चन थे। तो कही यही है अमिताभ बच्चन? तो मतलब थोड़ा लग रहे हैं हमका, 2-4% लग रहे हैं। जब हमने मतलब हाथ बढ़ाया ना तो पूरा हाथ नहीं मिला ही हमसे, ऐसे केवल 2 उंगली छुआई नहीं, टीट टूट से हमें लगा कि ये अमिताभ बच्चन है। कहा कि पा में एकदम बदल गए रहे ना, तो भेष बदल लेते हैं, हम कहा ये भेष बदले बैठे। तो हमने 1,000 रुपया जब उसको दिया तो तुरंत उनने 500 रुपये ले लिए, हमने कहा कन्फर्म। उसके बाद हम बैठे रहे और वही खटिया में बैठे रहेंगे ऊँचा बांधे। तो हमने कहा अमित जी कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। बोला कल आओ। हमने कहा ठीक है, हम चले गए होटल ले लिया। दूसरे दिन आए वही कंडीशन में बैठे रहे, फिर हमने हाथ बढ़ाया, फिर उंगली छुआ के ऐसे करीस कि लाओ 500। हमने कहा आज फिर? कहने लगा डेली। हमने कहा लो, दे दिया फिर 500 दे दिया। फिर हमने कहा कुछ बात करना चाहते हैं, फिर बोले कल आओ। हमने सोचा सुपर स्टार हैं, इनसे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं, जबकि हमारे पास टाइम कम रहा है भाई। 800 रुपया का होटल रहा है, 500 रोज ये उतार लेते थे और 200 रुपया लेता था इनके पास तक पहुंचाने में ऑटो वाला। तो टोटल खा पी के 2,000 की चोट डेली हुई रही रहा है भाई। खैर हम तीसरे दिन भी आए, फिर यार वही खटिया। हमने कहा यार ये कैसी शूटिंग हुई रही है आपकी? तो मतलब कहे इसकी नीची आवाज़ स्लो, समझे कीप यू माउथ। हमने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब जोर से गलत बोल दिया रहे। तो अपना बैठे थे तो हमने कहा लाओ तब तक का इनसे फिर बातचीत करें। तो कहे लगा एक भाग के अद्धी पकड़ लो।
हमने कहा अद्धी कैसे पकड़ लें? कैसे कोई भी एक ब्लेंडर स्प्राइट की अद्धी पकड़ लो? तो हमने कहा ठीक है, मतलब लाला जी खाने पीने के शौकीन हैं। तो हम भाग के अद्धी ले आए, अगला अंदर ले गया, मुँह पहुँचत भाई आवा और कहे भाई अन्नू जी तुम कल आओ, पूरा समय देंगे। हमने कहा ठीक है सर, चले गए। चौथे दिन हम पहुँच गए सवेरे तड़के, जल्दी पहुँच गए, अगला सो रहा है वही खटिया में। तो पड़ोस में हम एक जगह बैठ गए, हमने कहा यार बताओ इतना बड़ा स्टार और कैसे, मतलब साफ मन का आदमी है, देखो इतने दिन से यहाँ नहीं यहीं बैठा है। तो ये लोग कहेंगे एक ही बात कर रहे हो? हमने कहा अमित जी की, अमिताभ बच्चन जी की। कहें ना मैं भैया ये अमिताभ बच्चन थोड़ी है। हमने कहा फीका उन्हें। कहेंगे राजू श्रीवास्तव तो है कानपुर वाला, ये आवाज़ बदल लेता है अमिताभ बच्चन की, निकाल लेता है। और मुँह माँ एक मतलब थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की परछाई आवत है। अरे हमने कहा यार मार डाली, ये तो उतार ली थे हमारे 10,000 रुपया धीरे धीरे करके। हमने कहा ठीक, हम पहुँचे ऐसे खटिया हिलाई अपने ऐसे पैर मार के जगह बोला। हमने कहा और अमिताभ जी कैसी शूटिंग चल रही? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर हाथ वैसे हाथ गुरु एक रहा चीज रहा है, पूरा नहीं पकड़े इसके भी, ऐसे हाथ बढ़ाए एकदम पकड़ लिया। हमने कहा पहलवान पहचान गए तुमका, तुम भलाई काका लड़का हो ना कानपुर वाले बाबूपुर वाले राजू श्रीवास्तव, और पैसा हमारे ढील दो पूरे। उन्हें अभी अम्मा से शिकायत कर पे तुम्हारी, हम यहीं से जा रहे हैं वापस। अभी अम्मा से बहुत डरत रहे, एक हम एक बार कानपुर में देखा रहे अम्मा इनका बहुत उड़ा रही रहे, और एक पिताजी जो रहे ना एक बांध देते रहे छत में धूप में। पहले ये गोरा रहा, ये कक्षा 3 के बाद फिर करियाना चालू हुआ, जब ये बहुत बदमाशी करता था एक धूप में बांध दिया जाता था, ये थोड़ा डार्क कलर का हुआ। खैर अम्मा के नाम से डरा गवा। और जब हम अंदर घुसे और ये मुँह झूठल पहुँचत भाई आवा रहा है, पीस थोड़ी रहा ब्लेंडर स्प्राइट, बेच लेता। कह रहे हम यहाँ से निकलते बेच लेते। हम कहा तुम पैसा जो करो हमका ज्ञान ना बताओ। तो इनके पास 3500 रुपया निकले, 7,000 ये हमसे नगद लेन रहा है। और कहीं 3500 अन्नू भाई विश्वास करो हम कानपुर आके देवे। हमने कहा आते दे देना नहीं, अम्मा से बात करेंगे फिर। लेकिन आदमी ईमानदार था, पैसा तो नहीं दे पावा, आदमी ईमानदार था, बोला अब तुम्हें हम असली लोगों से मिलवाते हैं। हम कहा मिलवाई 5-6 लोगों से मिलवाई, एक बहुत सही आदमी से मिलवा दी, डायरेक्टर साहब रहे। जब हमने देख लिया, ठोंक बजा के देख लिया कि ये असली है, तो हमने इनसे कह दिया कि ऐसा है भैया अब आप चलो निकलो, हम अपना इनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, हैं आप गाय भी लो यहाँ से। तो लापतागंज हमने उनको पिक कर दिया, हमने कहा लापतागंज भी लो। फिर डायरेक्टर साहब से हमारी पटने लगी, तो हमने कहा कि भाई साहब पिक्चर के मूड में आए हैं, हीरो बनने के मूड में। तो बोले बहुत बढ़िया है, कहाँ बनना चाहते हो? हमने कहा यार अब अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, आखिरी रास्ता पिक्चर भी बना रहे हैं, मतलब आखिरी रास्ता वाले डायरेक्टर रहे हैं। तो मतलब हमारे कंधे में हाथ डालिस का अन्नू भाई दो ही प्रॉब्लम आ रही हैं, एक तो अगर आप पहले आ जाते हो तो हम आपको बना देते शराबी पिक्चर में मुखरी की जगह आपको दे देते, और दूसरा अब आधी पिक्चर बन चुकी है, एकदम से हीरो एक मंजिल का हो जाएगा, 2 मंजिले से मतलब होगा, कहने का मतलब रहा है अमित जी 4 फिट कुछ इंच के हैं, 6 फिट कुछ इंच के हैं अमित जी, हम 4 फिट कुछ इंच के, तो मतलब वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। मेरे बात समझ में आई, बोला लेकिन अगर कल आप आओ तो हम आपका मतलब दूसरा रोल दे सकते हैं। हमने कहा कल का ना रखो भैया, अब हमारे पास टाइम है कम। तो बोला कुछ पैसा डाल लो। हमने कहा हाँ डालें। बोला 17,500 रुपया काउंटर में जमा कर दो, हम आज रोल दे रहे हैं, डबल रोल दिए दे रहे हैं। तो हमने कहा क्या? बोले एक अमिताभ बच्चन की माँ बनोगे और एक अमिताभ बच्चन की बीवी। हम का मुँह देखा, हमने कहा टोपे हो का यार बिल्कुल, अबे मैं पुरलिंग हूँ और स्त्रीलिंग के रोल दिए दे रहे हो, बहुत दू दू स्त्रीलिंग के, कैस कलाबाजी देखो हमारी, नहीं फिर निकल लो भाई जहाँ तुम्हें मिल रहा और रोल करो जाके। तो कीड़ा बहुत थे हीरो बनने के, इधर जानी भाई भी दबाव बना के भेजिन रहे। तो हमने जमा कर दिए 17,500 रुपया जमा कर दिए। अब उसका खेल समझो का करी, आखिरी रास्ता पिक्चर देखे हुई हो, एक जगह अमिताभ बच्चन की माता जी मर जाती हैं और डबल रोल में अमिताभ बच्चन, तो ये आगे आगे मटकी लेके चल रहे हैं।
और पीछे पीछे जो पिताजी अमिताभ बच्चन है थोड़े देर के लिए सटक जाते हैं पिक्चर में, हाफ टाइम सटके तो वही मिट्टी के नीचे घुस जाते हैं, पानी बरसता है तो बारिश 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 कर रहे हैं। गौर करना तो जो मिट्टी में बंधे लेटे हैं ना वो हम डबल रोल रहे, उनकी जो नीचे बारिश कर रहे हैं उनकी हम पत्नी रहें, आगे वाले लौंडे की अम्मा डबल रोल रहा है हमारे, तो मतलब वो चल रहा है और किगड़ा रहा है हम खुश रहें हम। लेकिन सोचा शूटिंग में अभी कहीं ना कहीं जलाते समय हमारा मुंह खोलेंगे दिखाएंगे, उच्छे उच्छे मुड़वा दी रहा है यार, बड़े मक्कार है। और यार चलते रहे, ओके बाद 15-20 मिनट बाद ट्रेन की सीटी हमें सुनाई पड़े, चाय गरम सुनाई पड़े। तो हुआ क्या, एकदम से लगभग 6-7-8 घंटे बाद हमने कहा बड़ा लंबा खींच दी ने, लेकिन पैसा ली ने तो इतना रोल हमें मिलना जायज था। 6-7-8 घंटा बाद एकदम से हमारी मचिया सहित नीचे फेंका गया, खोपड़ी टकरा गई, गुलमा पड़ गया वह, लेकिन हम मतलब एक्टर तो एक्टर सांस नहीं लिया बिल्कुल। उसके बाद मुंह खोला गया तो मैं इसे देखा ऊपर लिखा रहा है अलीगढ़ स्टेशन, तो हमने कहा ये सोचा सेट बना हुआ वो तो पुलिस वाले हमका मतलब खींचे, तो हमने कहा ये जलाने की जगह ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन वो दूसरा अमिताभ बच्चन रहा है पुलिस बना रहा है, तो हमने कहा लग रहा है ये फोर्स आ गई अम्मा का बचाने के लिए। उसके बाद कहीं खड़े हो दुई डंडा मारी, कहीं तुम ऐसे बिना टिकट वो मचिया 8 लोगों की जगह घेरे, तो हमने कहा हुआ साहब पूरी बात बताओ। कहें ये तू अलीगढ़ में खड़ा है ये कहाँ से जगह, तो हम उनका बतावा साहब हम तो पिक्चर की शूटिंग समझ रहे रन, कहीं पिक्चर की शूटिंग समझ रहे रहो, उठक बैठक लगाओ, 10 उठक बैठक लगवाई हम वो का पूरी बात बतावा। कि हमने अपने मुन्ना भाई जी फोन किया, हम कहा यार फंस गए ना अलीगढ़ में, तो फिर वो अलीगढ़ आए हम कहा आते एक कंटाम मारी पहले खींच, कहीं तेरे इतनी नहीं समझ में आ रही रहा 8 घंटा से तू ट्रेन में चल रहा तेरे आइडिया ही। हमने कहा हम इतना खो गए थे अपने रोल में कि हम बिल्कुल उसको जीवंत करना चाहते थे, बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं दिखनी चाहिए, ओरिजिनल एक्टिंग में हम बीच बीच में कई जगह सांस भी रोक लिया भाई जी। खैर पुलिस वाले उर्गा मुर्गा बनाई ने में 2-4 कंटाम मारी, भाई जी हमारे समझ गए कि मतलब भाई के साथ लाइन हुई गई है। फिर हम वहीं से 1 रुपया वाला सिक्का डाला, राजू फोन मिलावा, हमने कहा राजू गुरु तुम फंसवाए हो मरवाए हो ट्रेन में धरवाए हो सब कराए हो, और जो 3500 रोके वो छुपे हो, जो 17.5 उतार ली से वो 21,000 रुपया घर दे देना, नहीं जा रहे हैं बाबूपुरवा मत शिकायत करने, ये कहीं ने आके दे देवे ठीक है। तो ये हमारे साथ घटना घटी रहे। और मतलब एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, वो केवल एक लोगों का बताना चाह रहे हैं, सोनू भैया बीच में बतावा रहा है सूट दिए हो ये सारा मतलब समझ गए ना पूरी पिक्चर का। तो हम अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से, अगर सकल सूरत नाप जोक के हीरो बनने लायक नहीं हो तो चुप्पे घर में हाथ बटाओ, लबर लबर ना करो।